सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जीवन में तीन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए, मुसीबत में साथ देने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को और मुसीबत में डालने वाले को। दूसरों के छांव में खड़े रहकर हम अपनी परछाई खो देते हैं। अपनी परछाई के लिए हमें खुद धूप में खड़ा होना पड़ता है। पिता से बड़ा कोई मार्गदर्शक नहीं, माँ से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई सलाहकार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। आज का पंचांग 7 मई 2024 दिन मंगलवार, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि सुबह 11:41 तक रहेगी। इसके उपरांत अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्विनी नामक नक्षत्र दोपहर 3:32 तक रहेगी। इसके उपरांत भरणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:38 से 5:15 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:55 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य भी मेष राशि पर ही रहेंगे। धनु राशि 7 मई 2024 दिन मंगलवार, एक वृद्ध व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर करेगा। योजना बनाना और प्राथमिकताएं तय करना आपकी खासियत है। अपना काम करें, सब सही होगा। शांति बनाए रखें और धीरज से काम लें। कोई आपसे आज मिलने आएगा, अपनी सेहत और आराम का खास ध्यान रखें। जल्दी ही ऐसी वित्तीय स्थिति बनेगी जो आपके लिए फायदेमंद सौदा साबित होगी। आज सामाजिक और पारिवारिक गतिविधियों में व्यस्तता बनी रहेगी। सभी काम मन की इच्छा अनुसार होंगे। आज की मेहनत निकट भविष्य में लाभदायक द्वार किसी खास वजह को लेकर यात्रा हो सकती है और समर्थ भी रहेगी। अपेक्षा के अनुसार वर्तमान बातों में बदलाव करना संभव होगा। फिलहाल आप अकेले ही काम करना पसंद करेंगे। व्यापार से जुड़े निर्णय लेते समय ध्यान रखें, वरना अवसर खोने की संभावना भी बनेगी। पुराना उधार अचानक प्राप्त हो सकता है। किसी भी व्यक्ति के लिए कटु भावना न रखें। नया काम आपके लिए लाभदायक होगा। पार्टनर के साथ बातचीत करते समय गलत बातों का इल्जाम बिल्कुल भी न लगाएं। शारीरिक समस्याओं को नजरअंदाज न करें। डॉक्टर से तुरंत उपचार लेना भी जरूरी है। सावधानियां, दूसरों के निजी मामलों से खुद को दूर रखें। घर के बड़े लोगों की सलाह और मार्गदर्शन पर जरूर ध्यान दें। इस समय ससुराल पक्ष के साथ परेशानी हो सकती है। तनाव, चिंता, काम का दबाव आदि जैसी स्थितियां भी रहेगी। बात करते हैं लव लाइफ की। आपकी सुंदरता आज हर किसी को सम्मोहित करेगी। आज आपके पास अपनी पहले पार्टनर के पास जाकर उनकी खबर लेने का भी मौका होगा, लेकिन ध्यान रखें कि उनके पास वापस बिल्कुल न लौटे। गए समय को जाने देना ही ठीक होता है। आपका दोस्त आपसे अपने लव लाइफ के बारे में मदद मांग सकता है, लेकिन उसके चक्कर में पड़कर अपनी लव लाइफ को बिल्कुल भी ना भूलें। बात करती है करियर की। आज के दिन अपने विरोधियों को अनियंत्रित करने एवं अपनी बुनियादी ढांचे और अपनी ताकत को दिखाने का सही समय है। इसकी वजह से आपके धूर विरोधी बोली से पहले ही हार जाएंगे या किसी परियोजना पर आप अपने हस्ताक्षर कर पाएंगे जो कि आपके व्यवसाय को आगे की ओर ले जाएगा। उच्च प्रतिष्ठा वाला पद आपको प्रदान होगा जो कि आपकी ताकत और धन में वृद्धि होगा। व्यवसाय में नई गतिविधियों के आगमन से आपका काम और व्यस्त होगा, लेकिन आपको अपने कर्मचारियों और सहकर्मी लोगों के साथ सावधान रहने की जरूरत है। किसी भी नए परियोजना या संभावित विश्वासघात के मामलों में विशेष रूप से अपने कर्मचारियों की भरोसेमंद और निष्ठा की जांच करना महत्वपूर्ण है। सरकारी सेवारत लोगों को भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, खासकर जब ये पब्लिक प्लेस पर काम कर रहे हों। उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क रहना चाहिए। इससे उन्हें किसी भी अनपेक्षित घटना से बचाव करने में मदद भी मिल सकती है। बात करती है सेहत की। आप पूरे मन से सुंदर और फिट दिखना चाहते हैं। हालांकि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक पार्टनर की सहायता जरूरी है। एक बार अपने डाइट की समीक्षा दोबारा कर ले, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा हो सकता है जिसे खाने से आपको एलर्जी हो जाए। सलाहों का पालन कम और वर्कआउट अधिक करें। सेहत का ख्याल रखें।
आज का उपाय। आज अब हनुमान चालीसा का शाम को पाठ करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।